हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेडहैट लिनक्स 7 में नेटवर्क डिवाइस नेमिंग के ओल्ड रूल को रिस्टोर कैसे करते हैं। रेडहैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ओल्डर वर्जन में नेटवर्क डिवाइसेज को नेम ETH0, ETH1, ETH2 इस प्रकार असाइन किया जाता था, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह था कि जब भी उस मशीन में कोई हार्डवेयर चेंज होता या कोई नया हार्डवेयर एड करते या फिर कोई हार्डवेयर चेंज आप रिमूव करते तो उसका सीधा असर नेटवर्क डिवाइसेज की नेमिंग पे होता था। उसका लिस्ट में डिवाइसेज का नेम भी चेंज हो सकता था। तो यदि आप कोई पार्टिकुलर एक ही मशीन यूज कर रहे हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था, लेकिन यदि आप उस मशीन को एज ए सर्वर किसी नेटवर्क में यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता था। बाद में ये डिसाइड किया गया कि नेटवर्क डिवाइसेज की नेमिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी अगर आप उस मशीन में कोई भी हार्डवेयर चेंज करें तो उसका सीधा असर डिवाइसेज की नेमिंग पे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए रेडहैट लिनक्स 7 में नेटवर्क डिवाइसेज नेमिंग के ओल्ड रूल को रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह नया रूल ऐड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग नेटवर्क डिवाइसेज की नेमिंग टोटली इंटरफेस और स्लॉट के टाइप पर डिपेंड करेगी। नेटवर्क डिवाइसेज को जो नेम असाइन किया जाएगा वो टोटली उस इंटरफेस के टाइप और वो किस स्लॉट पे अटैच हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं इस मशीन को कौन सा नेम असाइन किया गया है। तो इसके लिए एक्टिविटीज पर क्लिक कीजिए, उसके बाद टर्मिनल ओपन कीजिए और उसमें कमांड एग्जीक्यूट कीजिए इफ कॉन्फिग। तो देख लीजिए यहाँ पर जो नेम असाइन हुआ है नेटवर्क इंटरफेस को वो नेम है ENO16777736। ये नेम असाइन किया गया है। तो ये नेम कभी कभी रीड करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यदि आप रेडहैट लिनक्स 7 में नेटवर्क डिवाइस नेमिंग के ओल्ड रूल को रिस्टोर करना चाहते हैं वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए। सबसे पहले आपको रूट यूजर से लॉगिन करना है। रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद टर्मिनल ओपन कीजिए और उसके बाद में एक फाइल आपको एडिट करनी है। सबसे पहले /etc के अंदर /default और उसके अंदर ग्रप फाइल, ये फाइल आपको एडिट करनी पड़ेगी। तो चलिए एडिट करते हैं फाइल। ये फाइल आपको एडिट करनी है और उसके अंदर आपको लाइन एडिट करनी है grub cmd line linux grub_cmd line_linux। ये लाइन आपको एडिट करनी है। इस लाइन के सबसे एंड में आपको एक लाइन एडिट करनी है। तो सबसे पहले इंसर्ट मोड में जाइए। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस कीजिए या फिर इंसर्ट की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पर। तो सबसे एंड में हमें लाइन एडिट करनी है net.ifnames=0। जीरो का मतलब होता है डिसेबल। बायस देव नेम इजिकल टू जीरो। उसके बाद में इस फाइल को सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए escape:wq और !! फोर्सफुली सेव करने के लिए फाइल। उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, जो लाइन एड की है, तो उस फाइल के कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लीजिए कि जो लाइन हमने एड की उसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं रही। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है grub:2-mk-config। ये कमांड चेक करेगा कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है उस फाइल में। अगर कोई सिंटेक्स एरर होगी तो ये डिस्प्ले करेगा उस एरर को। तो अभी कोई एरर ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई सिंटेक्स एरर इसमें अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में आपको ग्रब फाइल का कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करना पड़ेगा। तो उस फाइल का कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है grub:2-mk-config-o। उसके बाद में उस फाइल का पाथ आपको लिखना है ग्रब फाइल का grub:2-grub.cfg। और जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड ग्रब फाइल के कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करेगा।
ग्रुप फाइल का कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हो चुका है। उसके बाद में आपको नेटवर्क डिवाइसेज की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी में मूव करना, जहां पर नेटवर्क डिवाइसेज की सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें स्टोर होती हैं। तो चलिए मूव करते हैं cd/etc sysconfig network script। उसके बाद ls-l कमांड एग्जीक्यूट कीजिए इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो इंटरफेस था, इस मशीन का जो नेटवर्क इंटरफेस था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको इस फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा cpifcp। इस फाइल की आपको एक कॉपी क्रिएट करनी है। इसके बाद में यहाँ पे जो भी नेम आप उस इंटरफेस को असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैं असाइन करना चाहता हूँ eth0, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ eth0। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड इस फाइल की कॉपी जनरेट करेगा, जिसका नाम होगा ifcfg-eth0। उसके बाद में इस फाइल की कॉपी क्रिएट करने के बाद में आपको इस मशीन को रिबूट करना है। चलिए मशीन रिबूट हो चुका है और उसके बाद में रूट यूजर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में टर्मिनल ओपन कीजिए और चेक कीजिए कि नेटवर्क इंटरफेस का जो नेम है वो अपडेट हुआ या नहीं। एक कॉन्फिग, तो देख लीजिए यहाँ पर नेम अपडेट हो चुका है eth0। तो इस प्रकार आप रेडहैट लिनक्स 7 में नेटवर्क डिवाइस नेमिंग के ओल्ड रूल को रिस्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।